मैं करिश्मा मेहता ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। बारिश से मौसम बहुत सुहावना, रुक रुक के बारिश का दौर जारी। असंतुलित होकर खंभे से टकराई कार, सोलंकी होंगे चारों नगर परिषद नए आयुक्त, पदभार संभाल। हल्की बारिश से फैली गंदगी, राहगीर परेशान। कुशला के साथ सहलाना और संपर्क, तीन दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम संपर्क। हेमलता जैन होगी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित। मरिया ने किया संस्था शिविर का अवलोकन, विद्यार्थी को किया सम्मानित। एलानगर में भजन संध्या आयोजित। अंतर्राज्यीय वाहन चोर व तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगाया शिविर, रोगों की जांच। अब समाचार विस्तार से। बारिश से मौसम हुआ सुहाना, रुक रुक के बारिश का दौर जारी। जालौर से उजित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को शहर सहित ग्रामीण अंचलों में सुबह लगभग 10 बजे से शाम रुक रुक के बारिश हुई, जिससे पिछले 15-20 दिनों से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। वही रिमझिम के साथ ही शहर में विद्युत विभाग लाइट काटते तक देर नहीं करते, जिससे शहरवासी परेशान है। इसी तरह सायला से मुस्ताक खान चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सायला सहित आसपास के क्षेत्रों में रिमझिम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से असंतुलित होकर खंभे से टकराई कार। और से सुरेश गढ़ रोडला की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में चामुंडा माताजी मार्ग पर एक कार का संतुलन बिगड़ने से विद्युत खंभे को टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। वही लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना कर लाइट बंद करवा दी। सूचना पर पुलिस व विद्युत कार्मिक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और विद्युत कार्मिक लाइट का सुचारू करने में लगे। सोलंकी होंगे जालौर नगर परिषद नए आयुक्त, पदभार संभाला। जालौर से उजित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार दोपहर बाद जालौर नगर परिषद में आयुक्त के पद पर नगर पालिका कुचिरा जिला नागौर से स्थानांतरित होकर आए महिपाल सिंह सोलंकी ने जालौर नगर परिषद का पदभार ग्रहण किया। वहीं पूर्व आयुक्त शिकेश काकरिया भिनमा नगर पालिका के ईओ का पद भार ग्रहण करेंगे। काकरिया के पास जालौर भिनमा दोनों का चार्ज है। सबसे पहला काम तो हुआ है, उसके बाद में बारिश का सीजन दोगुना बड़ा है। बारिश में बड़ी सिटी है तो नाले भी बहुत सारे होंगे, तो उनको नालों की सफाई देखनी पड़ेगी। नाले अगर सफाई हो चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको सफाई कराना पहला उद्देश्य रहेगा हमारा। तो बाढ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा जैसे शहर में ये आमतौर पर मुद्दे होते हैं, अतिक्रमण वगैरह है नहीं, यहाँ लोगों को पट्टों के लिए भी यहाँ कई बार देखा भटकना पड़ता है, उसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को भटकना नहीं पड़े? नहीं, लोगों को भटकने के लिए हमारे कर्मचारी तैनात है, कर्मचारियों में हम मीटिंग लेकर के उनको समझा देंगे कि आम नागरिक कोई भी आता है उसको बिल्कुल सहज उसको जवाब दे रहे स्पष्ट जवाब दे रहे। राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में एक तरफ प्रशासन बारिश के दौर को देखते हुए बाढ़ जैसे हालातों से जूझने के लिए बजट व प्रशिक्षण के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुरतरा सिली के पंचायत प्रशासन की पोल एक हल्की बारिश ने खोल कर रख दी। इस बारिश में हल्की सी बूंदाबूंदी हुई, लेकिन मुख्य बस स्टैंड पर नालियों से गंदगी मेन सड़क पर फैल गया, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत प्रशासन में सफाई व स्वच्छता को लेकर लाखों रुपए का बजट व्यय करने के बाद भी इस तरह की तस्वीरें बर्बादी का रूप साबित करता है। ऐसे में जिम्मेदार प्रशासन की उदासीनता की पोल खोल कर रखी है। मुख्य मार्गों पर फैली गंदगी से आहत लोगों को मौसमी बीमारियों का डर। कुशलास के साथ सालाना और संपन्न। जालौर से उजित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार किला शरीफ शहीद ख्वाजा मीरा मलिकशाह दातर शहनशाह ओलिया कुतुब लॉर्ड गवर्नर छत्रपति गुंजे शहीद रहमतुल्ला अल्लही का सालाना उर्स हौसलास के साथ संपन्न हुआ। जायरीन ने बड़ी संख्या में उर्स में पहुंचकर शिरकत की। इस दौरान सोमवार शाम दरगाह गेवन शाह गाजी में ढोल नगाड़ों के साथ चादर लेकर जायरीन दरगाह शहीद मलिक शाह दातर पहुंचकर चादर पेश कर अमन चैन व खुशहाली की दुआएं मांगी। तत्पश्चात शहर से आए मौलाना द्वारा मिलाद शरीफ पेश की गई। मिलाद के बाद बॉम्बे से आए हिंदुस्तान के मशहूर फनकार कव्वाल मंजूर जानी एंड पार्टी द्वारा एक से बढ़कर एक कवलियां पेश की गई। मिलाद के बाद बॉम्बे से आए हिंदुस्तान के मशहूर फनकार कव्वाल मंजूर जानी एंड पार्टी द्वारा एक से बढ़कर एक
कवालियां पेश की गई जो देर रात तक चली। इस दौरान इंतजामिया कमेटी द्वारा व्यवस्था की गई तथा दूर दराज से आए जहरीनों के लिए लंगर की व्यवस्था भी कमेटी द्वारा की गई। एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न। जालौर से उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को जिला परिषद सभागार में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का आज समापन हो गया। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में चित्रकला, भाषण, निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समापन के अवसर पर राजस्थान सरकार के मंत्री एवं जालौर प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। 3 दिन तक चले कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को प्रभारी मंत्री एवं जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर छगनलाल गोयल, पुलिस अधीक्षक केशव सिंह शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, उपखंड अधिकारी चंपालाल जिंगर सहित प्रशासनिक अधिकारी, खिलाड़ी, प्रतिभागी, कलाकार एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। ब्रेकिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेमलता जैन होगी कम रत्न अवार्ड से सम्मानित। धनमान से रमजान मेहर की रिपोर्ट के अनुसार इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन कर्म स्थली पर अनवरत परिश्रम से विकास एवं सेवा कार्य को दृष्टिकोण रखते हुए धनमान से एडवोकेट हेमलता जैन नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा को कर्म रत्न अवार्ड प्रदान किया जाएगा। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस पर जयपुर में एडवोकेट हेमलता समाज सेविका को कर्म रत्न अवार्ड से जयपुर में आयोजित भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में दिया जाएगा। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल अध्यक्ष शिवदयाल शर्मा की अध्यक्षता व पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार ब्रजमोहन शर्मा व पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी के विशेष आतिथ्य में आयोजित होगा। सम्मेलन में नेपाल के उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानंद झा, पूर्व प्रधानमंत्री टोहक बहादुर राम माझी सहित पूर्व चेयरमैन नेपाल प्रेस परिषद काठमांडू बोर्ड बहादुर काकी विशेष रूप से उपस्थित। हरियाणा किया संस्कार शिविर का अवलोकन। जालौर से उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार आर्य विद्यालय एवं आर्य समाज के संयुक्त तत्वाधान में सुंदेला तालाब किनारे स्थित आर्य हनुमान व्यायामशाला में 10 जून से 23 जून तक आयोजित किए जा रहे युवा चरित्र निर्माण एवं संस्कार शिविर का जिला खेलकूद एवं क्रीड़ा परिषद के खेल अधिकारी गोविंद सिंह परियार ने अवलोकन कर आर्य विद्यालय एवं आर्य समाज की समाज सेवा, आर्य विद्यालय एवं आर्य समाज की समाज एवं राष्ट्रीय हित में की जा रही गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे स्वयं जोधपुर स्थित आर्य मरुधर व्यायामशाला के प्रशिक्षार्थी रहे हैं। आर्यविधल में शारीरिक बौद्धिक संस्कारों का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना लक्ष्य अर्जित किया है। उन्होंने आर्यवीरों एवं वीरांगनाओं से पूर्ण समर्पण भाव से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को उत्कर्ष पर ले जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर आर्य समाज के प्रधान दलपत सिंह आर्य, आर्यविधल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार, महामंत्री शिवदत्त आर्य, आर्य समाज लालपुर के प्रधान विनोद आर्य, नगर परिषद के पार्षद भरत मेघवाल, चिंकू देवी प्रीतम सिंह, हर्षन कुमार, भरत कुमार एवं देवेश आर्य उपस्थित। सम्मानित सियाना से ध्यानचंद दादले की रिपोर्ट के अनुसार आकोली के पास देंदड़ी गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में देंदड़ी ग्रामवासियों द्वारा विद्यार्थियों का सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजकीय महिला महाविद्यालय जालौर के सह प्राचार्य बाबूलाल देवड़ा ने कहा, बच्चों के विकास में माता पिता को भी तैयार होना पड़ेगा। समय पर प्रोत्साहन मिलने पर छात्र बहुत विकास करता है। छात्रों का विकास गांव के सहयोग से संभव हो सकता है। मुख्य अतिथि विक्रम सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिल सके। कार्यक्रम में जालौर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य बाबूलाल ज्ञानचंद परमार, जय नारायण परियार, व्याख्याता मंशालाल प्रजापत,
स्थानीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक सूरज सिंह, अर्जुन सिंह दिलदड़ी, नहार सिंह बगारा, वाग सिंह ने भी अपने विचार दिए। एलाना में भजन संध्या आयोजित। एलाना से चेतन गर्ग के अनुसार एलाना गांव में हनुमान जी मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक उम्दा भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर सनाराम, देवाराम, नरेंद्र निम्बाराम, प्रकाश गर्ग, भावेश वर्मा, शंकरलाल सहित आदि युवा मौजूद। अंतर्राज्यीय वाहन चोर व तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। चारों से उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर, नग भजन, एटीएम लूट एवं हत्या तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के दो शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देश अनुसार गत 14 जून को साफाड़ा रोड पर एक व्यक्ति पर किए गए जानलेवा हमले एवं लूट की घटना के बाद विशेष सतर्कता बढ़ते हुए उस घटना का पर्दाफाश करने के लिए बागसिंह थाना अधिकारी कोतवाली जालौर व भवानी सिंह निरीक्षक पुलिस के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने भरसक प्रयास कर उस घटना के खुलासे से हथियार तस्करी, एटीएम लूट व वाहन चोरी की दर्जन भर वारदातों का खुलासा किया है। टीम ने भरसक प्रयास कर उस घटना के खुलासे से हथियार तस्करी, एटीएम लूट व वाहन चोरी की दर्जन भर वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के दो शातिर बदमाशों को दो लोडेड पिस्तल के साथ गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से चोरी की गई दो बोलेरो कैंपर भी बरामद। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर की रोगों की जांच। जालौर से उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रशासन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को राष्ट्रीय कैंसर, उक्त रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग व पक्षाघात बचाव नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य भवन जालौर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल विष्णु के आतिथ्य में किया गया। एनसीसी प्रभारी शहजाद खान मेल नर्स प्रथम ने बताया कि शिविर में सीएमएचओ कार्यालय एवं डीटीओ कार्यालय के कुल 70 अधिकारी व कर्मचारियों की उक्त रक्तचाप एवं मधुमेह रोग की जांच कर उन्हें परामर्श दिया गया। शिविर में जालौर से डॉक्टर गजानंद शर्मा, लैब टेक्नीशियन लक्ष्मणा राम, नर्सिंग प्रशिक्षार्थी मेहर शर्मा, प्रवीण कुमार, गौतम कुमार सहित समस्त स्टाफ। भारत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जालौर जन समय की खबरों में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए जय भारत, जय जालौर।